आज हमारे पास बलेनो सिग्मा, दिस इज ए बेस वेरिएंट जो 6,40,000 के अप्रोक्स, बेसिकली इसका 6,40,000 से 50,000 में इसका सिग्मा मॉडल पड़ जाता है। और ये बेस वेरिएंट है, आप देख सकते हैं इसका। मैं वॉक अराउंड दिखा देता हूँ आपको, जरा थोड़ा सा इस तरह का है कुछ भी वेरिएंट। फिलहाल तो इसका नया फेसलिफ्ट भी मार्केट में आ गया है, जो बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त मतलब अपनी प्रेजेंस दे रहा है। लोग बाग जो बलेनो, जिन्होंने ये वाली बलेनो जो है बेच दी थी, मतलब जिनको ये बलेनो कहते थे कि बिल्ड क्वालिटी नहीं है, ये है वो है, तो वो दोबारा से बलेनो की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इतने भर भर की फ़ीचर दे दिए है ना, हेडसअप ग्लास दे दिया है, डिस्प्ले ग्लास और सारे के सारे फीचर्स, ई बी डी अभी तो आजकल स्टैंडर्ड आते ही हैं, और साथ में काफ़ी सारे फीचर्स, जैसे कि इसमें एक फीचर्स मैं आपको बता दूं जो 360 व्यू आया था उसमें नए फेसलिफ्ट में। तो फिलहाल ये पुरानी बलेनो है अपने पास, उसकी बात नहीं करते, जस्ट एक रिव्यू ले रहे हैं इसका, बेसिकली हम डिटेल रिव्यू। तो गाइस ये है इसके अंदर, बेसिकली मैं आपको दिखा दूं, 185/65R15, तो 15 इंच के टायर्स की बेसिकली प्रोफाइल है, और कुछ ऐसा भी आ रहा है। और इसके जो इंडिकेटर्स है इसमें, तो इंडिकेटर्स नहीं आते, मतलब जो इंडिकेटर्स देने के लिए जो लाइट होती है वो नहीं आ रही, आते बेस मॉडल है बेसिकली ये। और मैं आपको दिखा दूँ कुछ ऐसा इसका ये है अंदर का, ये बाइनर सीट कवर जो लगवाए बहुत ही क्लासी हैं, अगर देखे तो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी अच्छे 4,000 अप्रोक्स के बाइनर लगवाए हैं, तो गाड़ी के अंदर एक ज़बरदस्त एकदम लग्जरियस फील दे रहे हैं ये, देखिए। और यह है इसका सिटिंग पोस्चर, मैं इस सिटिंग पोस्चर में ड्राइव करता हूँ, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। फिलहाल भाई ने अभी इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं लगवाया है। और यह है इसका 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, और ये इसका लीवर हो गया, ये इसकी हो गई फिलहाल ब्रेक शूज वगैरह, बेसिकली बेस मोड है वो, थोड़ा इतना अट्रैक्टिव इसका नहीं लगेगा, बट बलेनो के जो अपना 88.50 BHP का इंजन और 113 Nm का टॉर्क काफ़ी है, काफ़ी सब कुछ है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार ज़रा, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं इसका दिखा देता हूँ मैं आपको, बूट 318 लीटर का, देखिए कितना डीप है, 318 लीटर का बेसिकली इसमें बूट स्पेस आता है। और ये है इसकी बेसिकली लाइट्स जो है आपके, ये टेल लाइट्स है, इसमें LEDs बेस मॉडल में आ जाती है ऊपर की तरफ, बाकी हेलोजन का इंडिकेटर हो गया, और रियर भी हेलोजन ही है, रियर अगर पार्किंग वाला जो है। और ये इसके फिलहाल हो गया हेडलैम्प्स, आप कहीं सोच रहे हैं क्यों आप मैं नया फेसलिफ्ट क्यों दिखा रहा, एक्चुअली मैं ये मुझे मेरी चैनल पे जो है ना इसका कोई ऐसा डिटेल रिव्यू नहीं आ पाया है पुरानी बलेनो का, तो इसलिए बना रहा हूँ मैं। और ये कुछ इसका इस तरह का क्रोम हो गया जो फ्रंट ग्रिल के सामने दे रखा है, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ऐसे इसमें फॉग लैंप भी है, ये फॉग लैंप इन्होंने एक्चुअली आफ्टर मार्केट लगवाए हैं हैलोजन, ये हेडलाइट भी हैलोजन, बाकी LED लगवा लो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर हम बात करें गाइस, एक बार ज़रा मैं देख लूँ इसका इंजन भी, सॉरी बोनट, कुछ इस तरह का देखिए गाइस, इसका 1.2 लीटर में 88.50 BHP एंड 113 Nm का टॉर्क, काफ़ी बल्कि इंजन लग रहा है गाइस, तभी ये मतलब 180 तक पहुंच जाती है हाईवेज पे, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। एक बार और दिखा दूं मैं आपको इस इंजन का, काफ़ी बल्कि लग रहा है, और थोड़ा सा बस यही बिल्ड क्वालिटी का, बाकी इंजन बहुत ही स्मूथ है गाइस इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बलेनो है अप्रोक्सीमेटली 3-4 टाइम मतलब फेमस एक हैचबैक गाड़ी रही है अपने सेगमेंट में, और स्मूथ बहुत है, बट थोड़ा बॉडी रोल है हल्का सा इसका, क्या नाम, केवल वो लाइट वेट होने की वजह से, बाकी ये इसके हो गए अपना जो कोड पैसेंजर साइड, अगर आपको कंट्रोल ऑफ करना है पावर विंडो का, ये बाकी अलॉक अनलॉक हो गया, ऑटो वालो ये फ्रंट का इसका आता आपका ऑटो वाला, ऑटो ग्लास डाउन करने वाला। और ये गाइस एक बार मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पीछे ये विजिबल मॉडल है तो इसमें ये मैनुअल आता है, और पीछे एक चीज़ और दिखा दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये एक USB सॉकेट भी आता है, 12 वोल्ट का ये क्या नाम पावर कनेक्टर भी आता है, तो एक ये था इसका बेसिकली। और ये मैं आपकी गाइस कर रहा हूँ, ये बीच का जो स्पेस है ना,
ये बहुत धासु है, मतलब ऑसम है ये, ऑसम। बाकी ये इसकी पार्सल ट्रे और काफ़ी ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस है इसके इंजन का, मैं आपको गाइस बता दूं। बाकी डोर हैंडल्स इसमें वही जो स्विफ्ट में जो आते हैं, स्विफ्ट से अपना इस तरह के डोर हैंडल स्टार्ट होता है। मैं रियल बताऊंगा, ये जो सीट कवर था भाई ने 4000 रुपये में, मतलब सही, एकदम सही कुशनिंग वाला कपड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी ने, मतलब गाड़ी में 4 चांद लगे हैं, ऐसा लग रहा दूर से देख के जैसे कि टॉप वेरियंट हो। अगर आप इसके जो स्टीरियो डिन को ना देखें ना, तो टॉप से नज़र आ रहा है बस थोड़ा सा। इसमें ये आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ये थोड़ा सा आपका नॉर्मल आता है सिग्मा में, बाकी सब ठीक है परफॉर्मेंस काफ़ी। ये आपका क्या नाम फॉग लैंप के लिए हो गया, ये बाकी एडजस्ट करने के लिए हेडलाइट को अगर एडजस्ट करना है हाई लो के अकॉर्डिंग, ये इस तरह का कुछ है। और गाइस एसी परफॉर्मेंस की बात करें तो एसी बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी का, और रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, भागती काफ़ी अच्छी है, बिकॉज बलेनो जो है अपने इंजन साइलेंट क्वालिटी होने की वजह से और पिकअप की वजह से बहुत अपने इसने मार्केट उठाई है। मार्केट में इसने कम से कम 5-6 बार, मतलब काफ़ी बार, मल्टीपल टाइम ये टॉप सेलिंग कारों में रही है हैचबैक सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में तो बहुत ज़्यादा 1.2 लीटर के। गाइज ये था इसका कुछ ऐसा, और ये मैं आपको बता दूँ, ये तो खैर वही है, ये सीट को रिक्लाइन करने के लिए बेसिकली। ये गाइस दिया हुआ इसमें सीट को रिक्लाइन करने के लिए, काफ़ी ठीक है पुराना, अच्छा लुक दिया थोड़ा सा इसका इन्होंने, ये जो है आपको मैं दिखा दूँ, इसका थोड़ा लुक अच्छा दिया है इन्होंने सीट को रिक्लाइन करने के लिए। लगेज रखने के लिए काफ़ी जगह दी है, थोड़ा यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं अपना फ़ोन और अपना एक तरह ग्लास होल्डर का काम करता है ये एरिया, यहाँ पर अपना फ़ोन वोन रख सकते हैं, और इधर भी अपनी बोतल वोटल आ सकती है, इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ भी काफ़ी जगह है, तो काफ़ी स्पेसिस भी बहुत है, काफ़ी सारा स्टोरेज भी है गाड़ी में, तो ठीक है ओवरऑल दैट वाज गुड, मुझे तो ठीक लगा गाइज। ये गाइज ये दिया है इसमें जहाँ पे मतलब इसका रियर में 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये भी एक अच्छा बोटर होल्डर स्पेस है, और चारों तो गेट बताया जाता है, तो कुछ ऐसा है गाइज। सीट कवर एक नंबर, बार बार बोल रहा हूँ, और आपका जो स्टेरिंग में रेप्सी सही किया है सेम कलर में, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है। तो गाइज ये थी अपनी मारुति की बलेनो सिग्मा, जो पिछले पहले वाला जो अपना फेसलिफ्ट था, और तो गाइज़ ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ इसमें डिटेल में रिव्यू में कुछ कमी रह गई हो तो गाइज़ कमेंट्स लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना, और थैंक यू गाइज़, ये था इसका एक डिटेल रिव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, थैंक यू सो मच।